اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم علماء الكرام زمداراني جميع جماعة معزز هازرين أو القادة خباتين आज का ये निसफ़ रोज़ा अज़ीम्शान इजलास ही राह इस्तकाम पर मुनाकिद है और इन शो अब तक दो खिताब सुन भी चुके हैं और आखिर तक इनशा इसी जामे और अहम तरीन तरीनवान के मुख्तलिफ़ गोशों को हम सुनेंगे और इनशा मुख्तलिफ़ गोशों को मुख्तलिफ मुख्तलिफ़ाविए से उसको उजागर किया जाता रहेगा इसकामत कि जिसको हम समझना चाहते हैं कि जिस पर हम कायम होना चाहते हैं कि जिसके लिए हमें अल्लाह से मुसलसल दुआ करनी चाहिए और साथ ही साथ हमारी पूरी कोशिश और ज़द्द जहद होनी चाहिए कि अल्लाह हम सब को इस्तकामत की राह अता फ़रमाए और ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक इस, इस पर कायम रहने की और इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर क़ायम रखने की अल्लाह हम सब को तोफ़ी अता फ़रमाए आमीन इस्तकामत मजमू तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अहजल ने जो दीन अता किया दिन के तमाम अहकाम पर पूरी चाहत के साथ इखलास के साथ नेक नेती के साथ अमल किया जाए अल्लाह और उसके रसूल की एतात और फर्माबर्दारी में कोई कसर न छोड़ी जाए जाहरी तौर पर भी बातनी तौर पर भी और उन अमाल का ताल्लुक़ चाहे हकूक़ से हो या हकूक़लबाद से हो तमाम चीज़ों को शामिल है तमाम चीज़ों को शामिल है किसी एक पहलू को अगर हमने नजरअंदाज किया या उसमें कमज़ोर साबित हुए तो इस्तेकामत में हम कमज़ोर होंगे और अल्लाह की निगाह में या शरीयत की नज़र में इस्तेकामत के रास्ते पर हम कायम करार नहीं दिए जाएंगे और सच ये है कि हकीकी ईमान की पहचान भी यहीं से होती है वरना मुसलमानों की जो भीड़ है इस भीड़ में तो हर कोई अपने आप को मुसलमान नहीं बल्कि बहुत बड़ा नेक और साल समझता है और हर शख्स अपने आप को बहुत बड़ा मुतकी और परहेजगार समझता है लेकिन हमारे सीने में ईमान कितना है तकवा की कैफियत कितनी है यह इस्तिकत ही तय करता है सच ये है कि अब तो हमारे यहाँ दीन में भी मौका परस्ती को निकाल लिया गया है अपॉर्चुनिस्ट हो गए लोग मौका परस्त हो गए हैं लोग दीन में भी मौका परस्ती सियासत में देखी जाती है मुद्दतों से बल्कि वो सियासत का तो एक लाजमी हिस्सा बन गया आज कोई इस पार्टी में है कल दूसरी पार्टी में हो जाएगा वो उसी तरह पार्टियां बदलते हैं कि जिस तरह लिबास बदला जाता है उनके यहाँ झूठ फ्रॉड और मकर कोई माना नहीं रखता बल्कि आज के इस दौर की हकीकत यह है कि जो फ्रॉड और मकर और झूठ में जितना माहिर और एक्सपर्ट है वो उतना बड़ा सियासत का खिलाड़ी है लोग भी दीन के अंदर चोर दरवाजों की तलाश में हैं बड़ी आसानी के साथ जब मौका मिला या जब वो अपनी जरूरत महसूस किए तो से जंप किए और शिरक में आए उनकी ज़रूरत के तहत उन्हें ज़रूरत पड़ गई कि बिदात या उससे मतलब चीज़ों में इन्वॉल्व हुआ जाए या उसको उसकी जितनी जरूरत है उतनी कर ली जाए उसको भी कर लेते हैं सूद के लिए लोग मजबूरी बताते हैं कि हमारी ये मजबूरी है और उस पर बाकायदा मसाइल भी पूछते हैं और मजबूरियां कौन सी हैं बिल्कुल ज़बरदस्त और हाई फाई ढंग से शादी करनी है और भी कुछ बहुत हाई क्लास चीज़ों को अंजाम देना है ये मजबूरियां हैं बड़े पैमाने पर बिजनेस करनी है इसलिए बैंकिंग का रास्ता अपनाने अपना लिया जाए और कहते हैं उसके बगैर अब कोई रास्ता नहीं तो ये चोर दरवाजे को दीन के अंदर भी निकालने की पूरी कोशिश चल रही है और बल्कि लोग कर भी रहे हैं झूठ फ्राड और मकर और वादा खिलाफी अब तो गुना ही नहीं समझा जाता है तो जब समाज का एक बड़ा तबका इन चीज़ों के अंदर डूब चुका हो और उसके सोचने और समझने की हालत यह हो चुकी हो कि जरूरत के तहत इन सारी चीजों को कर लिया जा सकता है तो फिर इस्तकामत तो बहुत बड़ी चीज़ है हमारा ईमान ही सलामत नहीं रहा इस्तकामत तो ईमान के बाद का दर्जा है इसकामत का जो दर्जा और मकाम है वो ईमान से बहुत आला है इन हैदी कल रब्लास्तकामू यकी जिन लोगों ने यह कहा कि हमारा रब अल्लाह है फिर अपने इस ईमान पर इस्तकामत इख्तियार की और फिर रसोल वसलम की वह हदीस कुल आमन तब्ल ही सीम ये कह दो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया और फिर इस ईमान पर डट जाओ जम जाओ और इस्तामत इख्तियार करो ईमान के बाद और उससे ऊंचे दर्जे पर इस्तेकामत का दर्जा और मकाम आता है हम अपने ईमान को ही बिगाड़ ले रहे हैं इस्तेकामत का मतलब ये है साफ लफ्ज़ों में कि उसी पे जीना और उसी पे मरना सीख लिया जाए मुश्किलात को भी अच्छे ढंग से मैनेज करने का ईमान की रोशनी में सलीका आ जाए तवक्ल अल्लाह की जात पर उम्मीद अल्लाह की जात से भरोसा उस रब ताला पर, इतना बेहतर इतना मजबूत और इतना उमदा हो कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी आप अपने ईमान से ना फिरें ना डगमगाएं और कभी गलत चीजों नाजायज और हराम चीजों का ख्याल भी ना आए इस के अंदर एक चीज की और वजाहत जरूरी है आगे बढ़ने से पहले वो ये है कि कुछ लोगों को देखा गया है कि वो इबादत में बड़े अच्छे हैं रोज़ा नमाज बहुत उमदा सदका खैराज सब कुछ बेहतर है मामलात में बिगड़े हुए हैं हकूक़ल्ला का जो हिस्सा है या वो जो जो ज़ुमरा है वो ठीक है बंदों के साथ जो हुकूक हैं जिसमें उनके लेन-देन, उनके मामलात, रोज़मर्रा की ज़िंदगी सब कुछ इस मामले में उनके यहाँ हद दर्जा कमज़ोरी और गफलत देखी जाती है ये भी इस तकामत के सख्त खिलाफ है रसूल सल्ला फरमातेम ईमान यस्तकीम कल्ब वला यस्तकीम वल्ब हत्या यस्तम लिसान नबी स फ़रमाया किसी बंदे का ईमान उस वक्त तक सलामत नहीं रहेगा जब तक कि उसकी जबान जब जब तक कि उसक, उसका दिल दुरुस्त ना हो जाए जब तक दिल की हालत ठीक ना हो ईमान का कोई फ़ायदा नहीं पर ईमान ठीक ही नहीं है और किसी बंदे का दिल उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकता जब तक कि उसकी जबान ठीक ना हो जाए यहां आजा व जवार को भी इसके अंदर शामिल कर लिया गया है सिर्फ हमारी इबादतें काफी नहीं होंगी हमारे जिस्म के आजा हमारे मामलात इनका भी ठीक और दुरुस्त होना हद से ज्यादा जरूरी है अगर यह आजा अगर ये हमारे मामलात अगर हमारी ये ज़बान अगर ये दुरुस्त न रही तो ईमान ही दुरुस्त नहीं रहा इस्तेकामत तो दूर की बात है और उस औरत का वाक़ भी आप जान सकते हैं कि जो दिन में रोज़ा रखती थी और रात को तहजद पढ़ती थी जब उसका इंतकाल हो गया तो रसूल सल्ला वम से बतलाया गया उसके बारे में दिन को रोज़ा रखना नफली रोज़े और रात को तहजद गुजार इबादत में यानी नवाफिल में इतना मज़बूत फ्राइज में कितनी मजबूत रही होगी वो औरत एक कमजोरी थी पड़ोसियों को अजियत देती थी पड़ोसियों को अजीय देती थी रसूल सल्हम से उसकी मौत के बाद पूछा गया आपने फरमाया ऐसी औरत में कोई भलाई और कोई खैर नहीं है वो तो जहन्नमी है नबी सल्ला ने फरमाया वो तो जहन्नमी है लिहाजा इस्तकामत का माना बहुत अच्छे ढंग से समझा जाना चाहिए और चंद चीजों को अंजाम देकर के खुश हो जाने की जरूरत नहीं है बल्कि तमाम मामलात को अकाइद को इबादात को अखलाक को दीन और दुनिया तमाम चीजों को बेहतर और ठीक करने का नाम इस होगा और उस पर कायम होना और उस पर जम जाना ने दिया, कमा का ला बिमा बसीर अल्लाह बदल का हुक्म है कि जिस तरह हुक्म दिया गया है ए रसूल आपको जिस तरह कहा गया है अल्लाह की हिदायत और अल्लाह के अहकाम जिस अंदाज से हैं उन्हीं तरीकों पर और उन्हीं पहलुओं पर जम जाना कायम हो जाना इस्तेकामत है और आप उसी इस्तेकामत पर कायम रहिए थोड़ा भी दाएं बाएं आप ना करेंगे वरना मुश्किल में पड़ जाएंगे यानी अगर आपने उन रास्तों के खिलाफ थोड़ा भी कुछ अगर कुछ मामला किया तो आप इस्तेकामत के रास्ते से हट जाएंगे और चूंकि हम लोग इंसान हैं हमसे हकूकुल्ल और हकूक़लबात दोनों मामलों में चूक होना यकीनी है हमसे गलतियाँ होती हैं कुल्लु बनी आदम ख़त्ता, व खैरुल ख़त्ताइन तबून यह ऐन मुमकिन है बल्कि लाजिम है कि इंसान होने के नाते हमसे चूक होगी ही हमसे गुनाह सरजद होंगे ही इसीलिए इस्तकामत के बाब में अल्लाह ने कहा फस्तकी मिल वस्तफरू इसकामत इख्तियार करो यानी अपने अपनी अपनी इबादत अपने अखलाक, अपने अख्लाक अपने मामलत और अपने अकायद को ठीक और दुरुस्त रखो लेकिन अल्लाह से साथ ही साथ तौबा और इस्तार भी करते रहो क्योंकि चूक होना भी ज़रूरी है तो इस्तकामत की सलामती के लिए तौबा और इस्तार भी ज़रूरी है हम इस पर भी खुश होकर नहीं बैठ सकते कि हम बहुत नेक हैं तोबा तो वो लोग करें कि जो गुनाह करते हैं गुनाह हमसे भी होते हैं कभी हमें एहसास होता है और कभी एहसास नहीं होता अगर हमने इस्तेकामत को इख्तियार कर लिया उसे अपना लिया तो याद रखें कि अल्लाह की जानिब से बहुत बड़ी बशारत और खुशखबरी है उन लोगों के लिए उन मर्दों के लिए और उन खवातीन के लिए कि जिनकी ज़िंदगियों में इस्तेकामत पाया जाए मैं कह सकता हूं कि सादत और खुशनसीबी में बशारत और फजीलत में दर्जे और मनकबत में उनसे ज्यादा ऊंचा और बुलंद कोई दूसरा नहीं हो सकता है और खुशखबरी और वो बशारत अल्लाह के अल्फाज में यक़ीनन वो लोग कि जिन्होंने यह कह दिया कि हमारा रब अल्लाह है अपने ईमान को साबित किया ईमान का इजहार और ऐलान किया और इस ईमान पर कायम हो गए और डट गए ततनजल का यहां से अब उनके लिए बशारतें और उनके हक में खुशखबरियों का सिलसिला शुरू होता है और आप देखते जाए कि अल्लाह ने कितनी बड़ी बशारत सुनाई है अहले इस्तकामत के लिए अल्लाह कहते हैं ततनजल आलैमुलमलाई का फरिश्तों का नजूल पे दर पे उनके सामने होता है किस लिए फरिश्तों का नजूल किस लिए दिलों को सुकून और इत्मीनान देने के लिए जब ये दुनिया है मुश्किलात से एक मोमिन को भी गुजरना पड़ता है खौफ का एक, ए, एक दौर एक मोमिन के साथ भी होता है और हालात की संगीनी सबके साथ होती है फरिश्तों का नजूर उस वक्त होता है दिलों को सुकून और तसल्ली देने के लिए अल्लाह पर तो्कुल और भरोसे को दोबारा जिंदा करने के लिए ईमान को मजबूत बनाने के लिए और हमारे मिजाज को ठोस रखने के लिए और फरिश्तों का नजूल हमारी जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी में भी होता है अगर हमने इस को साबित कर दिया तो सबसे मुश्किल घड़ी इंसान की वफात की घड़ी है सबसे नाजुक और मुश्किल तरीन लम्हा हमारी मौत का लम्हा है Allah का ये कलाम बतलाता है कि उस वक्त भी इख्तियार करने वालों के सामने अल्लाह के फरिश्ते आते और की हदीस में बराई बन रजी तो वाजह है कि मरने वाला देखता है अपनी निगाहों से फरिश्तों को हद निगाह जहां तक उसकी निगाह पहुंचती है फरिश्ते उसे दिखाई देते वफात के वक्त जब इंसान खौफ और घबराहट के आलम में होता है उसे उसे अच्छी तरह समझ आ चुकी होती है कि ये उसके रुखसत का वक्त आ चुका है अब वो दुनिया चंद लम्हों में छोड़ देगा बीवी बच्चे उसके सामने मौजूद हैं, वो उन्हें भी देखता है घर बार असबाब माल सब कुछ है उसकी आंखों के सामने सारी चीजें हैं वो देख रहा होता है अब कुछ कह नहीं सकता है उसे पूरे तौर पर अंदाजा और यकीन है कि अब ये फरिश्ते मौजूद हैं बस चंद लम्हों की बात है रूह को निकाल लिया जाएगा उस नासुक घड़ी में अल्लाह के फरिश्ते उसको तसल्ली देते हैं और अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं अल्लाह तखाफू ताफू वहजनू वह अब शिरबिलजन्नती फरिश्ते कहते हैं कि अस्तकामत इख्तियार करने वाले मोमिन अब इसके बाद क्या होगा उसका जर्रा बराबर खौफ और उसके बारे में दहशत तुम्हारे दिल में नहीं रहनी चाहिए इसके बाद कब्र का मरहला उसके बाद जो आलम बरसक के अंदर और भी जो कुछ होने वाला है और उसके बाद हिसाब और किताब का मामला जन्नत और जहन्नम का मामला पुलसरात का मामला तुम्हें जर्रा बराबर खौफ खाने की जरूरत नहीं कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ वादा कर रखा है जो अभी तुम्हें वादा तुम्हें तुम्हारे सामने पढ़कर सुना दिया जाएगा और तुम्हारे जाने के बाद ये औलाद है तुम्हारी बीवी बच्चे हैं कारोबार है कि जिसका तुम्हें खौफ है कि जिसकी तुम्हें फिक्र है कि अब इनका क्या होगा उनके बारे में भी तुम्हें खौफ खाने की जरूरत नहीं मुस्तकबिल से मुताल जितनी चीजें हैं तुम्हारे दिल में खौफ ना हो ना हो अल्लाह उनका निगहबान है अल्लाह उनका निगरा है इन वली अल्लाह कमा काल कि अल्लाह अल्लाहल नेक बंदों को अपने कभी बे मददगार नहीं छोड़ते हैं अल्लाह के फरिश्ते उस वक्त तसली देते हैं। और यह कहते हैं, वला तहज़नु जो हो चुका है उस पर भी तुम्हें गम नहीं खाना चाहिए उस पर उसमें भी तुम्हें गमजदा या तकलीफ दे होने की जरूरत नहीं है उसकी भी माफी का ऐलान किया जा चुका है वह अब शुरू बिलचन्नति कुम खुशखबरी और बशारत है तुम्हारे लिए उस जन्नत की कि जिसका तुमसे वादा किया गया है यानी जन्नत तुम्हारे लिए अब वाजिब की जा चुकी है तुम जन्नती हो तुम्हारे लिए न किसी चीज का खौफ न किसी चीज का गम न मुस्तकबिल से मुतल और न माजी से मुतल बल्कि तुम्हारे लिए जन्नत की बशारत और खुशखबरी है और उसके बाद फरिश्तों का यह भी कहना कि नहनिया हम तुम्हारे मददगार हैं हम तुम्हारे हिमायती हैं हम तुम्हारे लिए हमेशा तैयार और खड़े रहने वाले हैं दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत की जिंदगी में भी यानी इस दुनिया में भी अब कुछ नहीं होने वाला है तुम्हें और आखिरत की जिंदगी में भी तुम्हारी मदद के लिए अल्लाह के हुक्म से और उसकी इजाजत से हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे वाला कुम्फी हा मातुमफी हाउन और तुम्हारे लिए उस जन्नत में वो तमाम चीजें मिलेंगी कि जिनकी तुम्हारे दिल में ख्वाहिश और तमन्ना होगी और जिन चीजों को तुम तलब करोगे तुम्हारी चाहत के हिसाब से भी वो सब कुछ मौजूद या जो तुम्हारे दिल में किसी चीज का अरमान हो और मुताबा हो वो चीज भी तुम्हारे सामने हाजिर कर दी जाएगी बल्कि अल्लाह के फरिश्तों के इस वादे में यह भी है कि यद खलून आल मिनकुल्लिबाब अल्लाह के फरिश्ते जन्नत के तमाम दरवाज़ों से दाखिल होते रहेंगे सलाम आलई कुम्बे मासबर तुम फन मकुबदार और यह सलामती ये खुशखबरी यह बशारत जन्नत में भी उन्हें सलाम करते रहेंगे सुनाते रहेंगे और यह कहते रहेंगे सलामती हो तुम्हारे लिए तुमने दुनिया की जिंदगी में मुश्किल हालात में सब्र किया था तुम्हारे सामने भी कठिनाइयां आई थी नाजायज और हराम कर सकते थे और अपनी मुश्किल दूर कर सकते थे लेकिन तुमने सब्र किया तुम्हें पता था यह कबीरा गुना है इससे अल्लाह नाराज हो जाएंगे तुमने अपनी जबान को और अपनी ख्वाहिश और अपने मिजाज को और अरमान को रोका और अपने आप को सब्र किया आज तुम्हारा ठिकाना बहुत ही आमदा और बहुत ही बेहतर है और होगा नजूलम मिन गफूर रहीम ये गफ़ुररहीम की तरफ से तुम्हारे लिए ज़ियाफ़त और मेहमान नवाजी का सामान है कि जिससे तुम फायदा उठाओ अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए मेहमान नवाजी का सामान है मेहमान नवाजी और ज़ियाफत अल्लाह की तरफ से कि जिसने गुनाहों को बख्श दिया कि जिसने तुम्हारे ऊपर रहम किया और तुम्हें अपनी न्यामतों से भरी जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया इस्तकामत वाकई मुश्किल चीज है उतनी आसान सी चीज नहीं ये जितना बड़ा दर्जा और मकाम है ये दर्जा और मकाम किसी भी अमल का जितना बुलंद है उसके पीछे कुर्बानियां भी उतनी बड़ी होती हैं उसके पीछे कुर्बानियां भी उतनी बड़ी उसके पीछे आजमाइशें भी उतनी बड़ी आज के दौर में इस इख्तियार करना कि जब चारों तरफ से झूठ हो जब चारों तरफ से फ्राड और मकर हो जब दगाबाजी और फितना आम हो चुका हो अब तो दीन के नाम पर लूट मार की जा रही हो अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेकर के चारों तरफ से दोनों हाथों से लूटा जा रहा हो दीन दिखाकर तोहहीद बताकर ये दिखाकर और वो दिखाकर सब्जबाग दिखाकर हमारे हाथों में जब दीन के नाम पर लूट मार का बाजार गर्म हो जाए तब ऐसी सूरत में और ऐसे माहौल में इस्तकामत कितना मुश्किल होगा और जब यह मुश्किल है तो फिर इसी उसी हिसाब से भी उतना बड़ा है हदीस और सिलसल सही सिया की यह रिवायत है जिसे शेख अलवानी रही ने मुख्तलिफुर्क और शवाहद की बिना पर सही करार दिया है और दीगर और मुहदसिन ने भी नबी सल्हल ने फरमाया वराएक। इन नबी वराकुम अया में सबर से रसूल सल्ला व्ल् फरमाते कि तुम्हारे बाद मुश्किल दौर आने वाला है याम सब्र यानी बहुत कठिन और मुश्किल मरहला आने वाला है कि जहां ईमान की सलामती एक चैलेंज होगा कि जहां अपने अकीदे तोहेद को और अपने अखलाक को बचा पाना एक मुश्किल अमर होगा अयाम सब्र आएंगे तुम्हारे बाद लिनमतमस किफी ही नयोमई दिन बेमांत मन अजरु खमसिन अमिन को रसूल सल्लाम फरमाते ऐसे मुश्किल दौर में जिस शख्स ने अपने ईमान को संभाल लिया अपने ईमान पर इस्तकामत इख्तियार कर ली उसे पता है कि वहां से ये मिल जाएगा लेकिन नहीं करेगा नाजायज है उसे पता है कि एक फिंगर टिप पर एक उंगली अगर दबा दे बटन पे, तो वो चीज मिल जाएगी जो उसके दिल की चाहत है जो उसके नफ्स का मुतालबा है लेकिन नहीं करेगा ऐसे नाजुक और ऐसे मुश्किल दौर में जिस शख्स ने अपने ईमान को सलामत रखा और उसी तरीके पर वो भी हम अपने अंदाज से नहीं कर सकते हैं हम अपने मन से नहीं डिफाइन कर सकते हैं कि यही तरीका जैसा कि दीन के बहुत सारे तरीकों को लोगों ने अपने तरीके से उसे उसक, उसकी तर्जुमानी कर दी है वो नहीं बीमा में आ रही जिसने अपने ईमान को सलामत रखा उसी मनहज पर उसी मेथड और तरीके पर कि जिस पर तुम हो यानी सहाबा के तरीके पर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम में से पचास लोगों के बराबर उस एक बंदे को सवाब मिलेगा तुम में से पचास लोगों के बराबर उस एक बंदे को सवाब मिलेगा इससे दंग हो गए और हैरान रह गए उन्होंने कहा अबा मिन पचास हमारे या पचास उनके कि जिस जमाने की आप बात कर रहे हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बल मिन कुमें तुम्ही लोगों की बात कर रहा हूं तुम में से पचास लोगों का जो सवाब है अमल का वो उस एक बंदे को दिया जाएगा इससे कोई शख्स यह ना समझ ले कि सहाबा से वो अफजल हो जाएगा सहाबा से अफजलियत का सवाल ही पैदा नहीं होता यहां कहा गया है कि मुश्किल और इंतहाई फितरों से भरे दौर और जमाने में कि जब ईमान का ईमान के निचले हिस्से पर भी कायम रहना मुश्किल हो जाए आदमी को फिर वो इस्तकामत उस पर इख्तियार कर रहा है अजर में अल्ला रब्लम इस मुश इन मुश्किल को उठाने की वजह से उसे जवाब देंगे ये है इसका मतलब लिहाजा हमें चाहिए कि हम इन बातों को अपने सामने रखें और इस्तकामत का सही मफहम समझें और सही मफहम समझ कर पूरी कुशादगी के साथ उस पर अमल करने के लिए कमर बस्ता हो। आसान नहीं एक मुश्किल चीज है लेकिन दुनिया और आखिरत दोनों जहान की कामयाबी इसी में है दुनिया और आखिरत दोनों जहान की कामयाबी इसी में है और यह मुश्किल नहीं होगा अगर कोई बंदा ठान ले और अल्लाह से मदद मांगे अगर ठान ले कोई और अल्लाह से मदद मांगे तो अल्लाह उसे जरूर दे देंगे तो थोड़ा सा हम कदम बढ़ाएंगे अल्लाह की मदद इंशाला हमारे एक कदम के मुकाबले में दो कदम चल कर आएगी और हम इन श्ला इस पर कायम हो सकते हैं अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अजा वजल हम सबको सही मानों में इस का माना और मफहम समझने की और उस पर अमल करने की तोफ़ीकता फरमाए अल्लाह अजल इस उम्मत के अंदर जो खराबी है जो बिगाड़ है जो फसाद है चाहे उनका तल्लु अकायद से हो ईमान से हो अखलाक और मामलात से हो अल्लाह तमाम की हम तमाम की असलाह फरमाए और हमें उसका एहसास करने के तहफ़े क़त फरमाए और हम तमाम को उन खुश नसीब और सदादतमंद बंदों में दाखिल फ़रमाए कि जिनके हिस्से में अल्ला हरबोलामी ने इसकामत रखी है आमीन, हादा अमीनकुलदाव इसल वकूमअमसिमी वालकम